हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बेनीवाल व्लॉग। तो जी आज हम आए हैं मेट्रो वॉक। शाम हो रही थी, संडे का दिन था और रश भी बहुत था और काफ़ी चेंजेस भी आ गए इसके अंदर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी मेट्रो वॉक के अंदर। सोच रहे थे इधर रात को आने की, लेकिन ना टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो फाइनली आ गए हैं हम। और मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ, मैं मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। लाइनर कुछ भी नहीं लगा रहे कभी इसके ऊपर, और मुझे ऐसे ही मुझे पता नहीं था इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है आना पड़ेगा मेट्रो वॉक। तो फाइनली मैं बच्चे के लिए यार खुशी करना पड़ता है, तैयार हुए यार होना जरूरी होना है। इसमें फेस पे देखो पिंपल शुरू हो गए। मामा की जी की तरफ देखो, कहाँ है आप बताओ। ठीक। अच्छा जी, तो विहान ना दो बहुत दिन से कह रहा है कि उसको मेट्रो वॉक जाना है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे ना मन लग जाता है बच्चों का इधर मेट्रो वॉक में, तो वो बहुत दिन से कह रहा था। तो राजकुमार जी भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, संडे का दिन है पर इन्हें जाना था, ये जल्दी आ गए थे, तो इसी वजह से जो है इन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे हम बैठे हुए थे, एकदम से प्लान बना, और आप मेरा हुलिया देख सकते हैं कैसा हो रहा है, और कोल्ड भी हो रहा था, इस वजह से मैं सोच रही थी यार नहीं जाए, लेकिन बच्चे के चक्कर में आपको पता है बच्चों का दिल खुश करने के लिए जाना ही पड़ता है। तो अब हम कर रहे हैं एंट्री यहाँ से अंदर जाने की। देखो जरा रान, अभी आगे चलते अभी ना। बेटा पहले पूरा घूमेंगे फिर लूंगी, ठीक है आगे चलते ना। अच्छा तो यहाँ नया ऐड हुआ है बैंगल्स का, फिंगर पकड़ो बोल, अरे हैंकी से पहुंचो दोनों। हाँ जी गाड़ी में बेटा झुला दूंगी, मना थोड़ा कर रही हूँ मैं आपको। अभी ये ज्वेलरी की शॉप खुली है यहाँ रिसेंटली न्यू, और लास्ट टाइम ये यहाँ नहीं थी। इनके पास बहुत अच्छा एडी का कलेक्शन था, उसमें आपको मंगलसूत्र मिलेंगे, रिंग्स मिलेंगे, ज्वेलरी भी थी, प्लस एडी के अलावा भी आप साथ में देख रहे हो हाथ के ब्रेसलेट भी थे। अच्छा ये जो मैंने उठाया था ये 120 का इन्होंने बताया था मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, वरना एडी की रिंग ही आपको पता है कितनी महंगी आती है अगर आप लेने जाओगे दुकान पे तो। और मेट्रो वॉक वैसे भी बहुत कॉस्टली है, पर इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा, और विहान को देखो हर जगह घूमना था। ये भी एक नया इंक्लूड हुआ है इसके अंदर, प्लस जो पीछे आप देख रहे हो ना कलरफुल मतलब राउंड राउंड जो घूम रहा है, ये भी इसमें एक नया इंक्लूड हुआ है। और इन सबके जितने भी प्राइस है ये 100 ही है, ज़्यादा इनके प्राइस नहीं है, 100 रुपीज़ में आप कुछ भी झूल सकते हैं। और बहुत बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब चेंजिंग आ चुके हैं इसके अंदर, और जो बहुत ही अच्छा अच्छा इतने सारे चेंजिंग हो चुके हैं थोड़े से दिनों में यहाँ पर बहुत सारे, है ना। लास्ट टाइम ये नहीं था ना, ये नहीं था लास्ट टाइम, अभी आया है नया। अच्छा ये भी लास्ट टाइम नहीं था, तो बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें इन्होंने लाई है इस बार जो आए हैं, मतलब चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि विहान ने बाहर एक झूला देखा था उसमें उसको झूलना है, तो मैं विहान को लेके जा रही हूँ। और मुझे थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जो मेरा वज़न है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो इसी वजह से तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ। ज़िद कर रहा था इसलिए इसको मैंने पकड़ लिया। राजकुमार जी के पास होता है ना तो वो हाथ छुड़ा के वो चला जाता है आराम से, लेकिन अगर वो मेरे पास होगा ना तो वो मेरे हाथ छुड़ा के नहीं जाएगा। जी हमने भैया से बोल के इसको बिठाया आगे, क्योंकि आगे पहले कोई और बैठे हुए थे, तो हमने कहा भैया इसको एक दो चक्कर जरा झुला दीजिए। तो ये भैया इतने अच्छे थे, इन्होंने एक कहने में मतलब जो है इसका टाइम हो गया था पूरा, बट फिर भी इन्होंने जो है इसको झुला दिया आगे आगे वाले उसको बिठा कर। तो बस यही होता है, कुछ कुछ भैयाओं का नेचर इतना अच्छा होता है, वरना अधिकतर तो सड़ू होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं चक्कर पूरा हो गया जी हमने झुला दे, लेकिन ये भैया इतने अच्छे थे इन्होंने मतलब पूरा चक्कर झुलाने के बाद भी बोला कोई बात नहीं मैं एक दो चक्कर इसको आगे बैठा के झुला दूंगा। तो ये भी हमें 100 का पड़ा था, और यहाँ पे 3 झूले थे जो अभी अभी नए लगे हैं। और अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको अंदर नहीं जाना है बाहर से झुला के अपने बच्चों को जाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मौसम इतनी
गया कि मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रेनों की वो है और ध्यान आएगा यहाँ से। अच्छा मैं इसको बैठाने जाती थी इस पर, बट ये बैठा है इस पर क्योंकि यहाँ पे छोटा भी और ये बैठे ये खड़े लेकर आए हैं। तो बस मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और कुछ खाने पीने भी घर चलते खाना खाना बना। राजकुमार जी के साथ कभी भी मैं जाऊँ ये अपनी बाइक पार्किंग में लगा के भूल जाता है कि इन्होंने कहाँ लगाई थी, और भी यहाँ देखो कैसे ढूंढ रहा है, इसको पता हुआ है जैसे इसके पापा की बाइक कहाँ है। हमारे साथ हमेशा नहीं होता, और विहान ने ढूंढ ली बाइक, देखो विहान आपने ढूंढ ली बाइक, देखा मेरा बच्चा कितना अच्छा है, इसके पापा से अच्छा तो विहान ही है, देखो उसने बाइक ढूंढ लिया अपने पापा जी। चले चलते हैं बैठ हटते और बैठ चलते अपने घर। गोल चक्कर का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये जो रास्ते में आइसक्रीम वाले मिल जाते हैं इनके फालूदे बड़े टेस्टी होते हैं, और मौसम यहाँ का बहुत ठंडा हो गया था और हम हाईवे पे रुके इस बार कुछ खाने के लिए, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। अच्छा मैं विहान को पहले ही जो है अंदर गर्म पहना के लेकर आई हूँ, वरना मुझे इतनी ठंड लग रही थी यार, इसको भी बहुत लग रही थी। और अगर यहाँ चाय मिल जाती ना यार मज़ा आ जाता, वैसे चाय या नहीं थी यार, चाइनीज़ फूड था खाली खाने के लिए। ठंड तो मैंने अच्छे से जो है कवर करके बैठ गई हूँ, और यहाँ ठंड नहीं लग रही आपको, तो इस बच्चे को भी ठंड लगने लग गई है, और मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है, मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हो मैंने किस तरीके से जो है कर रखा है। और क्या लिया है, डोसा तो बोल देना अच्छे से पका देना भैया, हाफ ही लिया ना तो हाफ चौमिन क्या लेंगे, नहीं बोल लेंगे हाँ चौमिन खाएंगे। ये मेरे पति लेकर आया आज यहाँ पे, अच्छा यहाँ का यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, क्या आप ऑर्डर कर कर आए हो बताओ, मोमोज। अच्छा यार वो जो जगह देखकर आप अंदाजा लगा नहीं सकते थे कि इतना टेस्टी खाना होगा, एटलीस्ट मैं जल्दी से कहीं का खाना खाना जल्दी से पसंद नहीं करती, इतनी सफाई से बना रखा था, इतना टेस्टी था, और प्राइस भी इनका बहुत रीजनेबल था, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा था, बहुत मज़ा आया। लोग मोमोज कैसे खा लेते हैं यार, मुझे तो नहीं पसंद। अरे यार इतनी सारी चौमिन, ये तो बहुत सारी चौमिन है, मैं कैसे फिनिश करूंगी इसको, चलिए इसमें खाते हैं देखते कैसा है, खाने तो दो तो भैया आ गए हैं घर, घर आके मैं गूंथ दूँ आटा, आटा गूंथने के बाद हम शायद जाएंगे देखो सब्जी लेने क्योंकि आज बाजार भी है। तो अपना व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ही सब्सक्राइब करें।